10 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा थी, जिसमें बहुत से बच्चों ने शिरकत की और पेपर को लेकर के बहुत बच्चों ने कमेंट किए कि पेपर उस अनुरूप नहीं आया जैसा कि हर बार बताया भाई आपने बताया। मैं आपको बता दूं, चूंकि परीक्षा है, परीक्षा का कोई भी संदर्भ आपको नहीं दे सकता कि हूबहू यही प्रश्न आएंगे। खासकर विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा दिन प्रतिदिन अपने स्वरूप को बदलता रहता है। चूंकि अब की बार 90 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें बच्चों ने बताया कि हिंदी जो थी उसके गद्यांश 4 आए थे, जिसमें 20 प्रश्न थे, और गणित के 35 प्रश्न थे, और एप्टीट्यूड टेस्ट के भी 35 प्रश्न थे। हालांकि कई जिलों में ये पेपर दे दिए गए, और उन पेपरों को जब हमने देखा तो ये सारे प्रश्न बोधात्मक और मानसिक स्तर के थे। अगर आप गणित की बात करें, बेहद आसान प्रश्न थे, लेकिन अगर आप उन्हें हूबहू किताबों से देखेंगे तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। और एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसी अनुरूप आए जैसे कि आपको बताए गए। रही बात भाषा की, भाषा में जो क्वेश्चन रहते थे वो आपके व्याकरण के रहते थे, वो नहीं आए। कोई बात नहीं, क्योंकि पैराग्राफ पहले भी आता था, एक आता था, अब की बार आपको 4 पैराग्राफ देखने को मिले। हालांकि पेपर काफ़ी लेंदी था, लेकिन फिर भी इन्हीं में से सिलेक्शन होता है। बहुत से गार्जियनों का ये सवाल है कि आखिर ये प्रारंभिक परीक्षा है, तो इसके बाद अब कौन सी परीक्षा होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में लगभग आपको 2 से 2.5 लाख बच्चे शिरकत करेंगे, कक्षा 6 के लिए अलग और कक्षा 7 के लिए भी। इसी प्रकार से बच्चों ने फॉर्म डाले हैं, और पूरी यूपी आपकी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो जो बच्चे, जो लड़के हैं, जिन्होंने 90 प्रश्नों का अगर 80% हम निकालते हैं, तो ये 72 प्रश्न आते हैं। अगर किसी बच्चे के 72 प्रश्न बॉयज के सही हैं, वो अपनी मेन एग्ज़ाम जो होगा अगला, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। दूसरा, जो लड़कियां हैं उनके 90 का अगर हम 70% देखें, तो ये नंबर्स आपके आते हैं क्वेश्चन 63 यानी 73, सॉरी 63। अगर 63 प्रश्न उनके सही हैं तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल स्क्रीनिंग परीक्षा थी। ये 2-2.5 लाख बच्चों से निकाल करके जो बच्चे निकलेंगे वो 2.5 से 3 हज़ार के बीच में, यानी 2 से 2.5 हज़ार या 3 हज़ार के, या बहुत ज़्यादा 5 या 6 हज़ार बच्चे ही इसमें सेलेक्ट होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर आप इस अनुमान को देखें तो मैं आपके सामने 3 साल की एनालिसिस कर देता हूँ। अगर हम बात करें 2017 और 18 की, तो उसमें जो कुल एप्लीकेशन आपके पड़े थे वो पड़े थे 2,46,407। इसमें 75 जिलों ने अपनी जो भागीदारी की थी, और जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया था उसमें 2,236 बच्चे जो है पास हुए थे, यानी 2,236 बच्चे प्रारंभिक परीक्षा को पास किए थे। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के उपरांत जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें चूंकि 2,236 बच्चे बैठे और केवल 295 बच्चे ही आपको जो है मुख्य परीक्षा को पास किए थे, और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद एक तृतीय परीक्षा भी होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा अंक प्राप्त विद्यार्थियों का एक भौतिक सत्र होता है, जो है संवाद होता है, तथा के उपरांत ही यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। फिर मैं आपको बात करता हूँ जो 295 बच्चे पास हुए, और उनमें से मात्र 149 बच्चे ही लिए गए, जबकि इन दो स्कूल सीतापुर और बुलंदशहर में 300 सीटों का प्रावधान है, लेकिन विद्या ज्ञान स्कूल को केवल और केवल उत्तर प्रदेश से 149 बच्चे ही पात्र मिले, और उनको एडमिशन दिया और उन्हें लेकर के आगे वो पढ़ाई करा रहे हैं। अब मैं बात कर लूँ 2018 और 19 की, जहाँ पर 2,50,639 बच्चों ने आवेदन किया, ये भी पूरे उत्तर प्रदेश यानी 75 जिलों ने शिरकत करी, और उसमें से
जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें से पास हुए केवल 2348 बच्चे। 2348 बच्चों ने जब ये मुख्य परीक्षा दी तो उसमें से 492 बच्चे जो है केवल पास हुए। और जब तृतीय चरण आया उसमें पारस्परिक संबंध संवाद किया गया और चिकित्सीय परीक्षण करने के उपरांत जब उनका भौतिक सत्यापन कराया गया तो वहाँ पर 281 बच्चे पात्र पाए गए। इन इसमें भी देखिए 300 बच्चे पूरे नहीं हो पाए। मैं बात करता हूँ कोरोना काल से जस्ट पहले 2019 और 20 के अंतर्गत 2,723 बच्चों ने फॉर्म डाला, 75 जिलों ने शिरकत करी और वहाँ जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया वो देखने को मिला। सबसे अधिक बच्चे इसी बार पास हुए 4,489 और उनमें से जो मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए 497, यानी 497 बच्चे मुख्य परीक्षा को पास किए। लेकिन पुनः उनका पारस्परिक संवाद किया गया, चिकित्सीय परीक्षण किया गया और उनके घर का जब भौतिक सत्यापन कराया गया तो उनमें से मात्र केवल और केवल 230 बच्चे चुने गए जो कि आज परीक्षा दे रहे हैं। 21 और 22-23 का जो ये सत्र था ये आपके सामने, इसे जो आपके बच्चे बैठेंगे वो आगे परीक्षा देंगे। तो परीक्षा अभी वो आपकी ऑनलाइन मोड की होगी, यानी अब आपको कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दे रही। मैं आपको बता देता हूँ ये कंप्यूटर जो परीक्षा होगी इसके साथ साथ एक परीक्षा आपको ऑफलाइन भी देनी होगी। अर्थात जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें आपको कंप्यूटर के सामने बैठना होगा, इसका रिहर्सल आपको वहाँ के स्टाफ के द्वारा करा दिया जाएगा, बच्चे को भी और आपको भी एक डेमो वीडियो आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसके बाद अब आप स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, आपके लिए स्पेस के लिए जो गणित के क्वेश्चंस हैं जो आपको करेंगे उनके लिए क्वेश्चन नंबर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 जो भी आप करेंगे उनको हल करेंगे, वही आंसर आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे। तब जाके आपको टिक करना है और सही करना है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी ये भी कॉपियाँ चेक की जाती हैं। उसके बाद एक हिंदी का जो है टेस्ट होगा और हिंदी में आपको एक अच्छा खासा निबंध या फिर कुछ आपको चित्र दिए होंगे और उन चित्रों को देख करके आप अपनी समझ और बूझ को देखते हुए निबंध के टॉपिक क्या रहेंगे मैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इसके बाद ये जो परीक्षा होगी उसमें जो स्क्रीन पे आएंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें हिंदी होगी, गणित होगी और एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। प्रश्न जैसा कि पहले आपने देखे प्रारंभिक परीक्षा उससे जो कठिनाई स्तर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अब आपको मतलब 4,000 से 5,000 बच्चों में से मात्र 300 बच्चे चुनने के लिए वो आपका पेपर कठिन आएगा और उसे आप बाखूबी करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा में पास होंगे उन्हीं की हिंदी की जो निबंध लिखेंगे वही चेक किया जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और वो करवाते हैं। तो ये आपको एक मैंने जानकारी आपको मोटी मोटी दी। समय जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको हमारे द्वारा कोई भी अपलोड वीडियो सदैव आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ और आप अपने घर में तैयारी करते रहें, क्योंकि कोई भी परीक्षा एक कदम बढ़ाने से मंजिल की ओर रुक तो हो जाता है लेकिन मंजिलें नहीं मिलती। मंजिलें सदैव उन्हीं को मिलती हैं जो सतत रूप से अपने मार्ग पर सदैव अग्रसर रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।